हमें ये दिक्कत बाढ़ आवता तो बड़ी सजाए होता है, खाइला भी निर्दाशा हो जाता है, सुतऊ के दिक्कत, पानी झुकता तो वह हाल हो जाता है, दोहे दहे आदमी हो जाता है, जागरण हो जाता है, कोई साथे ढुक जा घर में तो सुतल में रह जाए। पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकांश गांव में देखा गया है कि नदियों का बालू खनन के कारण गांव और खेतों का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि गांव के लोग अपने गांव को बचाने के लिए प्रयास करता है, पर थक हार कर अपना किस्मत मान कर बैठ जाते हैं। ग्राम बखरी कठा नदी के कटाव का दंश सन 2010 से झेल रहा है, जो अब तक इस गाँव का 30 घर नदी में विलीन हो चुका है। पर इस गाँव के बचाने के लिए बिहार सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं होता दिख रहा है और ना ही बालू का खनन रोका जा रहा है। घर में पानी डूब जाला तो खाना ना बनला, चावल किसान दहला, बकरी मुर्गी दहे लागे, तो सारी दह गई, चावल किसान सब एक एक मिल गए, पाकी में सब ज्ञान हो गए, बर्तन हरिया दह तो होने गए रहे तो छान के आए। कटाव होगा तो यहाँ की जनता डूबेगी तो प्लान कर भी करेगा लोग। यहाँ नदी तो पहले से है, नदी तो है पहले से, जंगल के पास में था तो नदी पहले से, तो पहले तो नहीं इस तरह से बाढ़ आती थी, यहाँ के लोग नहीं परेशानी होते थे। बाढ़ आएगी नहीं तो परेशानी किससे होगी, जब खनन ज्यादा बढ़ेगा, पानी का रफ्तार ज्यादा होगा, तो रफ्तार होगा तो कटाव हो भी करेगा। क्या इस नदी से क्या खनन होती है? क्या होती है? नहीं सिटी में क्या सरकार इसमें रोक लगा देगी तो क्या ये गांव बच जाएगा? हाँ, सरकार अगर रुक लगाती है खनन पर और यहाँ पर बंद लगा दे तो रुक जाएगी और आम जनता को सहूलियत होगी। मैं भी इसी क्षेत्र की महिला हूँ और एक सामुदायिक संवाददाता होने के नाते इस समस्या पर पूरी मजबूती के साथ सवाल खड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ग्राम बखरी को कटाव से बचाने के लिए इस नदी में हो रहे बालू खनन रोका जाए और मजबूत गाइड बांध का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए जिला पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 94 73 19 92, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडियन हार्ट के लिए।